जी वो आत्या असेंबल। तो बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मैच खत्म, क्योंकि जिस लड़के के लिए मैच रखा था वो पोलो हो लिया। तो आप लोग जाइए, थैंक यू वेरी मच। पापा क्या जय भागा नहीं है, वो आदू के लिए गया है। आदू के लिए गया मतलब क्या हुआ उसे? पता नहीं, जय दादाजी से बात कर रहा था फिर अचानक घबरा के वो भाग गया। मैंने दादाजी को कॉल भी किया पर वो उठा ही नहीं रहे थे। पता नहीं पापा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हुआ ही है। बाहर ना निकल पाऊ, शायद मैं तुमसे किए वादे भी ना निभा पाऊ। मुझे हो सके तो मुझे माफ कर। सफर की शुरुआत हुई है, मंजिल तो भी बहुत दूर है। देखिए जय अंदर है, वो बचा लेगा आध्या को। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम गॉड तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम पता मैं कितना अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना मैं मर जाता। तुम क्यों आए यहाँ पर? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा आद्या, तुम्हें पता ना मैं तुम्हारा सुपरमैन, मुझे कुछ नहीं हो सकता। हर बार बचाता हूँ ना मैं तुम्हें, और वैसे प्यार किया है, कोई चाइनीज प्रोडक्ट नहीं बेचा है, लाइफ लॉन्ग की गारंटी है। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, बकवास डायलॉग बुलवा लो तुमसे बस। अच्छे डायलॉग बोलता हूँ, रुको ये ले लो। अच्छा अच्छा रुको रुको, तुम रुको। मुझे तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं जब तक मैं जिंदा हूं ना तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रुको रुको, यही रुको, यही रुको, हिला मत तुम। जल्दी आओ, एक मिनट बाद।
खेलने गया था, अंदर रह गया था ना राध्या। लाइफ लॉन्ग ना मैं सिर्फ तुम पे मरूंगा, तुम्हारे बिना अकेले नहीं मर सकता मैं। मॉम, टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, इन्हें टाइम पे खिलाते रहेगा, सब परफेक्ट हो जाएगा। मैं लेकर आता हूँ दवाइयाँ। अदु 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 आराम कर तू। जी पापा। हमें इनका प्रॉपर टेस्ट करना है। कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है, पर फिर भी श्योरिटी के लिए कुछ टेस्ट करने होंगे। आप रिसेप्शन पे जाकर फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। आप सब बाहर जाइए। बहुत बुरे हो तुम, मुझे बाहर से निकाल के खुद अंदर रह गए। मैं अंदर ना ये लॉकेट लेने गया था, अंदर ही रह गया था ना। और तुम तो जानती हो ये लॉकेट मेरे लिए कितना प्रेशियस है, और अपनी कोई भी प्रेशियस चीज को मैं अंदर कैसे छोड़ सकता था? अच्छा, मैं डर गई थी कि
ये सोच के मेरी जान निकल गई थी कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। आत्या, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम ठीक। वैसे भी तो मुझे जल्दी से बाहर जाना है, बड़े सारे तुम्हारे पापा के टेस्ट पास करने हैं, है ना? मुझे किसी से पास या फिर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मेरे लिए मेरे हीरो तुम। आज तक पापा से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं रहा है जय, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा आएगा भी, लेकिन जय तुम मेरे लिए बहुत खास हो गए हो। अरे बेटा, मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती। I can't live without you. I can't. मेरे बिना नहीं रह सकते तुम। क्या कर रहे हो? हॉस्पिटल है ये। हाँ तो हॉस्पिटल में कहीं दिखा थोड़ी है। ये रोमांस नहीं कर सकते। वैसे मेरा इतना बड़ा टेस्ट होने वाला, गुड लक किस तो बनती है ना। गुड लक किस? गुड लक किस, कुछ भी ऐसे बड़ी चीज से पहले किस मिलनी चाहिए ना। चलो ये सारी चीजें छोड़ो, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, जाके कुछ खाना खा लो। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। अरे तुम बात क्यों नहीं समझ? मैम चाहिए आप कुछ खा लीजिए, आपको दवाई खानी है, और वैसे भी हम इन्हें टेस्ट के लिए ले जा रहे हैं। तुम अपना ध्यान रखना, ओके? हाँ जाओ। ओलू के? जी आंटी, सब ठीक है, और जय भी बिल्कुल ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। हेलो, दवाई ले, कुछ खा ले, उसके बाद खाना। अब मैं जरा दिया से बात करके आती हूँ, उसे भी टेंशन हो रही होगी। हाँ दिया। दी, आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? दिया, आपको जब खाना बनाना नहीं आता है तो आप करती ही क्यों ये सब? मना कर देना चाहिए ना। हाँ दिया, बट हद है ना आपकी भी, सिर्फ दूसरों के बारे में सोचना है ना आपको, अपने बारे में तो सोचना ही नहीं है कुछ। हो गया, डांट लिया जितना डांटना था। अब सुन, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, और जय सही टाइम पे आ गया था, उसने सब कुछ संभाल लिया। रियली दी, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में जय नहीं होता तो आपकी लाइफ होती कैसी? यू नो एक्चुअली वो आपका सुपरमैन है, हर प्रॉब्लम से बचा लेता है आपको, है ना? सही कहा तूने दिया, बिल्कुल सही नाम दिया तूने उसे, वो मेरा सुपरमैन है। मुझे पता है, जब तक वो मेरे साथ है ना मुझे कुछ नहीं हो सकता। उसे पूरा जय कैसा है? जय बिल्कुल ठीक है। चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ओके? ध्यान रखियो। ओके, वार्ड बॉय, जल्दी से पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करो। आप ये सब चेक करके रेडी करो फास्ट, पेशेंट की तबीयत अचानक से सीरियस हो गई है। फास्ट फास्ट, जल्दी कीजिए फटाफट, पेशेंट को ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, आप उसे रेडी करिए प्लीज। वेंटिलेटर रेडी करिए प्लीज। मिसेज मित्तल, जय की हालत बहुत खराब हो गई है अचानक। एक्चुअली आपके बेटे ने बहुत सारा स्मोक इनहेल कर लिया है।
आई एम सॉरी, वो बेहोश हो गए हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। ये क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, मैं अभी तो जैसे मिलके आई हूँ, वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। आप शायद किसी गलत फैमिली के पास आए, कुछ भी नहीं हुआ उसको, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे पता है जय बिल्कुल ठीक था अभी। देखो ना डॉक्टर, क्या जय, देखो अब मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम जल्दी उठो यहाँ से, ये मजाक का वक्त नहीं है, चलो उठो जल्दी अभी। हेलो सर। पापा एक सेकंड, मैं बात कर रही हूँ ना, जय उठो, कुछ नहीं हुआ जय को, मुझे पता है जय बिल्कुल ठीक है। जय चलो, आप इन्हें रोकिए प्लीज, इनकी हालत बहुत सीरियस है, इन्होंने जो धुआं इनहेल किया है उसने इनके हार्ट को बहुत कमजोर कर दिया है। इन्हें कुछ घंटों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, देखना होगा कि इनकी बॉडी ट्रीटमेंट को कैसे ऑब्जर्व करती है, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। आप लोग प्रेयर कीजिए, आने वाले कुछ घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। जल्दी उठो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। आंटी अब रो क्यों रही है, कुछ भी नहीं हुआ जैको, अभी देखना थोड़ी देर में होश आ जाएगा उसे। पापा मैंने जय के लिए कुछ स्नैक्स लेके आती हूँ, मुझे पता है जैसे उठेगा ना उसे अभी भूख लगनी शुरू हो जाएगी, मैं लेके आती हूँ, आप यही रुको, मैं आती हूँ। अदू अदू बात सुन, भैया जी एक कॉफी और एक सैंडविच जल्दी से, 10-15 मिनट लगेगा मैम। हाँ जल्दी करते। हाँ ठीक है। दी ये सब क्या कर रहे हो आप? जय के लिए भूखे मारे बेहोश हो गया वो, और डॉक्टर्स कह रहे हैं पता नहीं सीरियस है से वो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, देखना अभी जैसे उठेगा ना वो भूख लगी करेगा बच्चों की तरह, तो देखिए सुबह मैंने वो मेरा, उसे कुछ भी नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भैया हो गया सैंडविच रेडी है मैम? हाँ दे दो। ठीक है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या किया ये? गिरा दिया ना, मैं जय के लिए लेके जा रही थी, अगर वो उठेगा तो चिड़चिड़ करेगा ना ये। सॉरी मैम। सॉरी लगता है इस हॉस्पिटल में ना ये सबका फेवरेट बोल है, कुछ बकवास बोल दो, बकवास हो जाए तो सॉरी बोल दो। दी क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जो तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मुझे पता कि तुम अभी उठ जाओगे और मेरा हाथ पकड़ के मुझे बोलोगे कि मैं मजाक कर रहा था। मुझसे प्रॉमिस किया था तो मेरे बिना कहीं नहीं जाओगे, लाइफ लॉन्ग ना मैं सिर्फ तुम पे मरूंगा, तुम्हारे बिना अकेले नहीं मर सकता मैं।